होगा वो इस पर है। अब देखो आप बीच पूरा एंड तक का दिख रहा है। सो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि आपको पता है भाई, हम आए थे मुर्डेश्वर, तीन लोग, तीन हम जवान जवान आदमी थे तीनों, और हमने अपनी ट्रिप प्लान कर ली थी। तो अभी चल रहे हैं, अगला भी लोग स्टार्ट करते हैं। दोपहर का टाइम है, बस पहुंचे थे यहाँ पे, तो अभी थोड़ा सा चलते हैं, स्विमिंग पूल में मस्ती करेंगे, देन इवनिंग में चलेंगे श्री मुर्डेश्वर टेम्पल, तो वो सारा कुछ दिखाएंगे आपको। और इधर मुर्डेश्वर पूरा इस ब्लॉग में आपको घुमाएंगे, बीच की तरफ भी चलेंगे घूमने के लिए शाम को, तो वो सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये अपना होटल है, RN रेजिडेंसी करके है। यहाँ से हम जाएंगे नीचे। अभी हम आ गए पूल की तरफ भाई, ये अपना स्विमिंग पूल इधर की तरफ, पीछे की तरफ। थोड़ी गर्मी तो है, धूप है, पर अंदर जाके पता नहीं लगेगा, मज़ा आएगा। तो जी वो दोनों चले गए स्विमिंग पूल में मस्ती करने, और मैं अभी बाहर खड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी चलता हूँ यार, मैं क्यों छोड़ूँ इस मौके को। चलते हैं फिर स्विमिंग करते हैं, पहले थोड़ा यहाँ पे एंजॉय करेंगे, देन उसके बाद में फिर आगे घूमना फिरना चालू रहेगा अपना। तो वो देखो दोनों के दोनों स्विमिंग करके गए उधर की तरफ, दोनों को स्विमिंग आती है उनको। ये कुछ पीछे का वो है व्यू इसका, और पीछे की तरफ ही ये है, यहाँ पे वो है स्विमिंग पूल। तो जी अभी स्विमिंग चली रही है, वो दोनों करने पर लगे हुए हैं। मैं आ गया था बाहर, फ़ोन आ गया था, तो इसलिए फ़ोन सुनने के लिए। तो चलो अभी एंजॉयमेंट चलता रहेगा, और लगे हुए हैं हम इधर फुल मस्ती करने में। फिलहाल मैं भी चलता हूँ अंदर। तो जी हम स्विमिंग करके आ गए थे, और ये देखो यहाँ पे बीच पे लोग ना फुल एंजॉय कर रहे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं। और इस बीच पे ना यहाँ पे देखो गाड़ियाँ लाना अलाउड है, गोवा के अंदर नहीं है ये चीज़, बसें तक खड़ी हुई हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हो बीच का, और यहाँ पे हॉर्स राइड भी है। ओके, घोड़े तो हमने देखे ही नहीं, वो घोड़े भी खड़े हैं। तो इधर की तरफ आप आराम से गाड़ी वाड़ी लेके आ सकते हो अपनी, और बाकी बोट राइड भी काफ़ी लोग कर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे जेट्स की वगैरह, और ये जो है बोटिंग वगैरह काफ़ी लोग कर रहे हैं। ये देखो इधर भी एक छोटा सा टेंपल है, ये ना ये देखो वाइट टेंपल है छोटा सामने, और वहीं से ये बैक वाटर जा रहा है इसके साइड से, ये पूरा उधर रोड बना हुआ है। हाँ ये देखो, हाँ वो छोटा सा उसके साइड, उसके साइड में देखो रोड, रोड भी दिख रहा है, ये बोट पड़ी है पूरा ऐसे, इसमें बहुत जूम होता है, ये वहाँ तक हमें पता भी नहीं क्या क्या है। ये देखो आगे का बीच भी दिख रहा है। तो 4 बजे हम निकल रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए अभी, और यहाँ से व्यू देखो, ऊपर से देख के तो इसे बहुत डर लग रहा था। RNS रेजिडेंसी है ये जहाँ हम रुके हुए हैं। हाँ अभी हम बैठे हुए हैं कामत प्योर वेज रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वहीं पे हम अपना जो है कुछ स्नैक्स ले रहे हैं शाम का। आज लंच नहीं किया हमने, लंच का टाइम हमारा निकल गया था स्विमिंग में, स्विमिंग करने में चले गए हम। ये अपना आ चुका है जी पूरी कोरमा, गर्मा गर्म पूरी फुली फुली, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ ये। तो जी थोड़ा सा हमने स्नैक्स में लिया यहाँ पे, और इनकी जो कोकोनट चटनी होती है ना लाजवाब होती है सच में, उसको खा के मज़ा आ जाता है। अभी हम चलेंगे टेंपल की तरफ। तो ये मेन गेट है यहाँ पे, यहीं से आपको पार्किंग लेनी होगी, यहाँ पे पार्किंग का 40 रुपीज़ है गाड़ी का। ये है सामने टेंपल, इसके पीछे है मेन टेंपल इधर की तरफ, यहाँ से भी देख सकते हो आप। तो जी यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, और यहाँ पे आप अपने जो भी चप्पल है जूते हैं वो यहाँ पे रख सकते हो। बाकी अभी हम चलते हैं यहाँ से अंदर चलेंगे, और ये देखो हाइट इसकी बहुत ऊँचाई है, ये मेन यहाँ से एंट्री है आगे से। चलते हैं जी अंदर, यहाँ पे अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है पूरा इसमें,
ऊपर तक, और ये है अंदर के लिए। तो लिफ्ट से अगर यहाँ पे ऊपर जाना चाहते हो तो यहाँ से आप जा सकते हो, 20 रुपीज़ पर पर्सन। हाँ, और ये कुछ यहाँ की टाइमिंग्स हैं लिफ्ट की, 7 AM to 12:40 PM और 3 to। ये है इधर लिफ्ट, तो ये अब हम जाएंगे 18th फ्लोर पे, और हम 3 ही लोग हैं बस लिफ्ट में। तो ये ऊपर आ गए, और यहाँ से अब देखो आप बीच पूरा एंड तक का दिख रहा है, सी दिख रहा है ना। यहाँ पे आ गए हम, और इधर से हम देख सकते हैं उस कोने से जो शिव जी भगवान जी का स्टैचू है उधर सामने बना हुआ। यहाँ पे अभी थोड़ी भीड़ लगी हुई है। और इस साइड से दिखता है पूरा कर्नाटका। दूर तक आपको ये पूरा मुर्गेश्वर है, ये इसी गेट से हम आए थे अंदर, ये नीचे दिख रहा है। तो अभी आ गए अंदर उधर से घूम के, वो अच्छा लगा ऊपर जाके भी ना, बहुत ऊंचाई से वहां से देखा हमने। तो ये है इधर मेन टेंपल, अब हम जा रहे हैं पीछे की तरफ इधर, और अंदर वहां पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने की नहीं बिल्कुल भी, और वो चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। तो ये आ गए ऊपर, यहाँ पे भी यहाँ से देखो आप मेन टेंपल भी दिख रहा है। ये आ गए अभी हम पीछे की तरफ, यहाँ से चलेंगे ऊपर अंदर की तरफ। तो यह है बैक साइड का एरिया, ये चलते हैं आके पीछे, देखोगे पूरा सी सी है यहाँ पे, और सनसेट का भी टाइम हो रहा है, हल्के बादल हो गए तो सनसेट थोड़ा अच्छा नहीं आने वाला अगर बादल रहे तो। बाकी ये पीछे की तरफ कुछ बना हुआ है यहाँ पे, पहले कुछ था होगा शायद जरूर, ये नीचे की तरफ जो अभी पूरा टूट चुका है। तो जी घूम फिर के अभी हम आ चुके हैं वापस, पूरा टेंपल घूमा और आपको भी दिखाया, एंड उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा टेंपल देखने में। पूरा हमने अच्छे से घूमा आज बहुत, क्योंकि जल्दी तो कुछ थी नहीं, इधर ही रुकना है। फिलहाल आ गए अपने वापस होटल पे, और अभी थोड़ी देर आराम करेंगे क्योंकि हमें 2-2.5 घंटे हो गए निकले हुए। पूरा घूमा मुर्डेश्वर, थोड़ा सा घूमे, मार्केट वगैरह भी तो बंद थी, गर्मी भी है थोड़ी सी शाम में, लेकिन मौसम बड़ा प्लीजेंट हो गया है, अभी हवा चल रही है बड़ी अच्छी यहाँ पे, तो मज़ा आ रहा है घूमने में। मतलब ऊपर थे ना अभी जहाँ पे क्या शिव जी का स्टैचू है वहाँ पे, तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी वहाँ पे, से आने का मन नहीं कर रहा था नीचे उतर के आने का, और सनसेट भी थोड़ी बहुत देर में होने ही वाला है। चलो अभी आगे शाम तक का ये पूरा व्लॉग रखेंगे, क्या क्या करने वाले हैं वो दिखाते रहेंगे आपको। तो जी उधर ना सनसेट हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी नहीं हुआ, बहुत शानदार व्यू है पीछे का। अभी फिर से हम आ गए पूल में मस्ती करने, जो संभाजी भाव है वो रुक ही नहीं रहे, कह रहे हैं कि यार फिर पूल में चलो मुझे लेके। और अपने संतोष भाऊ जो है अभी थोड़ा वो बोल रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा इस बार। उनका हो गया पहले शौक। इंग्लिश कैमरे के आगे आ रही है आपकी।
ठीक है, अब बस जूम भी करना है। जूम कर, वो 1 2 3 होता है ना, उस पे दबा सकते हो। उंगली ऐसे करोगे तो जूम होगा, और अंदर को करोगे तो वो हो जाएगा पीछे। आया समझ में? ऐसा करें, ऐसा करता हूँ। इधर से आता है, इधर से शेविंग करके यहाँ तक आता होगा। हाँ, अभी उनको बड़ा दिख रहा होगा सर। हाँ, तो पीछे से आओ। कैसा पता चला? बहुत बड़ा दिख रहा है, समझ में आता है? हाँ, इनको ही मालूम है ना, इनने सब दिख के रखे हैं। आता है? बस पीछे पड़ गया, वो नीचे गए। तो जी, स्विमिंग करके अभी हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। थोड़ा सी के किनारे किनारे पे घूम के आते हैं। ये संभाजी भाव बहुत मस्ती कर रहे हैं, इनसे ज्यादा मस्ती किसी ने नहीं करी अभी तक, है ना? मैं और ये तो फिर भी थोड़ा सा कम मस्ती करते हैं, वो एकदम उनको पूल चाहिए। सामने का वेदर बहुत अच्छा हो रखा है और व्यू भी बहुत अच्छा है। ये देखो सामने ना हल्के हल्के बादल हैं और सनसेट हो चुका है। क्या शानदार व्यू है। और सेम यहाँ से आप व्यू देखो सी का, पीछे पूरा बीच दिखता है। ये हम नीचे आ गए थे, ये बोटिंग वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हो, फुल एंजॉयमेंट। मतलब एक दिन आप अपना इधर का ट्रिप बना सकते हो बुढ़देश्वर, और गोकर्णा का भी बना सकते हो। गोकर्णा जाएंगे तो वहाँ का भी दिखाएंगे कभी हम। ये देखो इधर चल रही है पैरासीलिंग। वाटर स्पोर्ट्स भी आप इधर मतलब एंजॉय कर सकते हो। ये देखो ये बहुत तेज जा रही है बोट भाई। तो अभी हम आ गए हैं बीच की साइड। ये देखो यहाँ से लाइटिंग, बहुत ही प्यारा व्यू है। और ये देखो ऊपर तक लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। थोड़ा सा अंधेरा होगा, उसके बाद में और भी खूबसूरत हो जाएगा ये। हाँ, सारे में थोड़ा बीच पे घूमेंगे, उसके बाद फोटोग्राफी करेंगे हम, और आज का दिन हम ऐसे ही गुड नाइट बोल देंगे आपको घुमाते घुमाते बीच में। तो शाम में ना काफ़ी चहल पहल रहती है, इधर गाड़ियाँ भी अंदर आती रहती हैं। आई डोंट नो कि गाड़ी का कुछ चार्ज लेते हैं या नहीं लेते, पता नहीं अंदर का। और बाकी ये देखो शाम में काफ़ी क्राउड है ना। आगे कैमल सफारी आप कर सकते हो, यहाँ पर ये अलग चीज़ है। हॉर्स सफारी आप कर सकते हो, हॉर्स राइड, हॉर्स सफारी नहीं, हॉर्स राइड, कैमल सफारी। हाँ, तो काफ़ी हैपनिंग बीच लग रहा है ये, और शाम में मज़ा आ रहा है घूमने में, क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या है हवा बड़ी अच्छी है और वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है। बाकी हाँ, ये देखो यहाँ से आप व्यू पीछे का, वाव, अलग ही वाव वाला फीलिंग आ रहा है एकदम। हाँ, तो ये है यहाँ पे कैमल सफारी, आप कर सकते हो। सीढ़ी है बैठाने के लिए, ऊपर उतारने के लिए। यूजुअली जो ऊँट है वो नीचे बैठ जाता है, और तब हम बैठते थे राजस्थान की अगर हम बताएं तो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सीढ़ी का इंतजाम भी कर लिया। और इधर हॉर्स राइड वगैरह आप कर सकते हो, फोटोग्राफी वगैरह आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इधर, और अच्छा लग रहा है। मतलब एक दिन आप इधर का प्लान बनाओ तो अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया लगता है, लग रहा है। ऐसा बोलो ना, बिजनेसमैन संतोष नागांकर और कौन, भुवनेश्वर पिच। तो ऐसी बोला आपने, बोला जो सारा आया इसमें। ये देखो बड़ी बड़ी बसें। तो वॉक करते करते हम काफी आगे आ गए। संभाजी भाव रुक ही नहीं रहे, मैं रोक रहा हूँ, मका रुक जाओ, वापिस हो जाओ, टांगे दुखने लगी अब। और यहाँ से व्यू देखो आप जो ये है, वाह बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। चलते हैं वापस, बहुत आगे आ गए हम, काफ़ी आगे आ गए। हाँ, और हवा चल रही है, बादल हैं थोड़े, आज ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अभी थोड़ी यहाँ पे ह्यूमिडिटी है,
इधर फील हो रही है हल्की हल्की। चलते हैं वापस, अभी हम चलेंगे मार्केट, मार्केट से लेने हैं हमें कुछ सामान वगैरह, इधर घूमेंगे। तो अभी घूम रहे हैं हम थोड़ा सा मार्केट, ये सामने का व्यू ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, थोड़ा सा मार्केट में हम घूम रहे हैं, चलते हैं। ये है मुरुदेश्वर का मार्केट, शाम के 7:30 का टाइम हो गया ऑलमोस्ट। तो जी ये इधर का मार्केट है, काफ़ी हैपनिंग है इधर, पीछे आके काफ़ी सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट और काफ़ी सस्ता फूड है इधर की तरफ। तो हम इधर ही अपना कुछ खाने पीने की चीज़ें देख रहे हैं। ये भी इधर है भाई, यहाँ पे टिफ़िन वगैरह भी मिलता है। तो पूरा अभी जो है चहल पहल है मार्केट में, पीछे तक है पूरा, अगर आप आगे जाओगे वहाँ तक मार्केट ही मार्केट है। सो जी अभी हम घूम के आ चुके हैं, मार्केट वगैरह सारा कुछ घूम के आ चुके हैं, एंड ये था अपना ब्लॉग मुरुदेश्वर से। शाम का व्यू भी अच्छा था, एंड होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल अभी तक नहीं किया है, बीच बीच में ऐसे ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। तो आज हमने फुल एंजॉय किया, पूरा दिन अपना स्पेंड किया यहाँ पर मुरुदेश्वर में, और मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में कल सुबह देखते हैं, क्योंकि कल के भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं हमारे, तो क्या प्लान्स हैं वो अगले ब्लॉग में आपको मिलेंगे, देखते हैं। चलते हैं अभी वापस होटल और करते हैं आराम, खाना वाना खा के। गुड नाइट।